आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में मासूम दलित छात्र धरने पर बैठकर शिक्षा पाने की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों को स्कूल में फीस जमा नहीं करने की वजह से निकाल दिया गया। मामला अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल पा रहा। परिजनों की माने तो 30 अगस्त को शोहरतगढ़ कस्बे में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से उनके बच्चों को बिना नोटिस दिए ये कहकर निकाल दिया गया कि उनकी फीस जमा नहीं है। सर, मेरे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सोहरगढ़ में 4 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसमें मेरा छोटा बच्चा, उस प्रिंसिपल साहब ने उसको गेट से बाहर निकाल दिए। बच्चा हमको गली के अंदर रोता हुआ मिला, हमें प्रिंसिपल साहब के पास लेके बच्चों को पहुंचा और वहां पूछा कि सर मेरे बच्चों को आपने क्यों निकाल दिया। वो कह रहे हैं फीस बकाया। हम कहे सर फीस हमारा बकाया नहीं है, हमारा फीस जमा है और पिछला कोई बकाया नहीं है। इतने में सर वो प्रिंसिपल साहब भड़क गए, कह रहे हमारे यार साले फीस देने की औकात नहीं है, तुम हमारे विद्यालय में क्यों पढ़ाते हो। हम कहे सर हमारा बकाया नहीं है तो आप इस तरह से हमको क्यों बोल रहे हैं। कहे चमार से यार साले भाग जाओ यहाँ से, नहीं भी पुलिस बुला के पिटवाऊंगा। इस तरह से कह के सर हमको जलील किए और हमारे बच्चों को सर इस तरह से बेइज्जत करके सब निकाले सर। और वहाँ से मैं सर निकला, मैं जाके थाना अध्यक्ष जी को 31 तारीख को सर मैं वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया। मुझे थाने पे सर एसओ साहब ने कहा कि ये शिक्षा विभाग का मामला है। फिर शिक्षा विभाग पे सर मैं मामला वहाँ प्रार्थना पत्र लेकर चला आया। फिर मैं 2 तारीख को मैं रजिस्ट्री किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पुलिस अधीक्षक जी को, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी को 2 तारीख को डाक द्वारा भेजा सर। इसके बाद सर मैं 3 तारीख को तहसील दिवस में सर सोहरगढ़ में दिया सर। मैं 6 तारीख को माननीय डीएम साहब के पास आके यहाँ अपनी मुलाकाती समय पर सर वहाँ दिया। मैं 6 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री को मैं चिट्ठी पत्र भेज कर मैं डाक द्वारा भेजा सर, वहाँ पहुँचे। इसके बाद 9 तारीख को मैं अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयोग में सर मैं रजिस्ट्री किया। मैं 16 तारीख को सर माननीय जिलाधिकारी जी को मैं अनिश्चितकाल धरने के लिए मैं रजिस्ट्री करके अवगत कराया सर। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी विद्यालय से जांच कराई गई थी तो उसमें यह हुआ कि इनकी जुलाई तक की फीस जमा थी, उसके आगे नहीं था। और इसकी जांच जो है एसओ साहब और यह एबीएससी कर रहे हैं। एबीएससी द्वारा 5 स्कूल का पैनल भी दिया गया, जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। तो यह हुआ कि 5 विद्यालय में कहीं भी ये नाम लिखा लें और साथ में जो एसओ साहब जो है इनकी तहरीर लेके कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इनको कहा जा रहा है कि अपना जाके FIR या जो भी धाराएं इनको लगवाना है कार्रवाई करा लें। सर, अगर प्रिंसिपल की बात मान भी ली जाए कि एक महीने का ये अगस्त का मामला है, जुलाई तक इनकी फीस जमा थी, तो क्या सिर्फ एक महीने के लिए बच्चों को इस तरह का पनिशमेंट तो नहीं इसमें जो है कार्रवाई, इसमें जो है जो एसओ द्वारा जांच की गई है उसमें दोनों पक्षों की नाइतफाकी जो है सामने आई है, जिसमें जो है जाँच उनके द्वारा बृहद रूप से पुनः जो है करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा उपचुनाव की शंखनाद होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पीएल पुनिया के बेटे तनुष पुनिया पर विश्वास जताते हुए जैतपुर विधानसभा से उपचुनाव में पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वहीं तनुष पुनिया जबरदस्त बरसात के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया समेत जिले के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये उपचुनाव है तो जो मुद्दे हमारे हैं वो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, विशेष तौर से हमारे जो रारी नाला जो बनना है वहाँ पे, जिस वजह से जल भराव की बहुत समस्या है। पूरे क्षेत्र में लंबा क्षेत्र है और सब में जल भराव की बहुत समस्या है, ये मुद्दा होगा। पॉलिटेक्निक ITI जो माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने खुलवाया था, आज वो बंद पड़ा है, उसको खुलवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरा विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसको खुलाने के लिए। और ऐसे ही क्षेत्रीय मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जो हमारे बंद बस्ते में पड़े हुए थे वो सब को फिर से शुरू करवाया जाएगा। जैसे कि इंटर कॉलेज खुलने थे, जो कई सारे इंटर कॉलेज खुलने थे और सिर्फ 3 ही खुल पाए, 4 खुल पाए यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, वो और खुलवाए जाएंगे ताकि लोगों को दूर तक ना जाना पड़े और इंटर तक की पढ़ाई आपके क्षेत्र में ही हो। योगी सरकार में बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह बहराइच पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि पहली बार है कि महिलाएं अबला नहीं बल्कि सबला बन रही हैं। उनकी सरकार कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। सरकार की मंशा है कि विकास की किरण अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। ये वो सरकार है जो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। हम किसी धर्म या जाति के आधार पर बांट कर नहीं देखते। हम जो भी योजनाएं लाते हैं हर धर्म के लिए लाते हैं, हर जाति के लिए लाते हैं। हमने कभी जातिगत राजनीति नहीं की, हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे भी खींच कर आगे ले आना है, उसे भी हम इस जगह पर बिठा दें, इस स्तर पर बिठा दें कि इस देश में कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ऐसा ना हो, ना कहे कि हमारे पास धर्म नहीं, हमारे
हमारे पास शौचालय नहीं, हमारे पास बिजली का कनेक्शन नहीं, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं, कोई गरीब नहीं रहेगा इस देश में, कोई गरीब नहीं रहेगा। सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले दुनिया में कम नहीं। ऐसी है कि ईमानदारी की मिसाल बुलंदशहर में देखने को मिली। दरअसल ई रिक्शा में जा रहे एक वृद्ध का बैग गिर गया। ये बैग टेरी चालक को मिला। बैग में वृद्ध के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और 9,000 रुपए रखे थे। टेरी चालक मोहम्मद अजीम और उनके साथी ने पुलिस की मदद से बैग वृद्ध व्यक्ति तक पहुंचाया, जिससे खुश होकर वृद्ध और पुलिस अधिकारियों ने बैग लौटाने वाले दोनों टेरी चालकों को सम्मानित किया। सीतापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आबकारी विभाग और क्राइम ब्रांच टीम समेत पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना रामकोट क्षेत्र नवीन चौक के पास मुखबिर की सूचना पर ट्रक से शराब का जखीरा बरामद किया। पुलिस की माने तो ये शराब अरुणाचल प्रदेश से तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस को 1 किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद ट्रक चालक चकमा देते हुए ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बांदा में बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी आवास के ठीक सामने ठेले पर नवजात बच्ची लावारिस हालत में रोती हुई मिली। लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। महोबा में नगर पालिका द्वारा की जाने वाली मनमानी अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं नगर पालिका महोबा से नदारद हैं। शहर के बीचों बीच जमा गंदगी से अब स्थानीय लोग आजीज आ चुके हैं। हमीरपुर शुंगी पर बने ज्ञान स्थली स्कूल के पास रहने वाले लोग तो और भी बुरे हालात में जीने को मजबूर हैं। स्कूल के पास नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे नाले की फिलिंग मिट्टी की जगह गंदे कचरे से कराई जा रही है, जिसको देखते हुए लोगों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बन रहे एम्स का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने गोरखपुर की गीता वाटिका में आयोजित श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार की 127वीं जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार समिति के अध्यक्ष हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मंच पर बैठे संतों ने श्री हनुमान प्रसाद जी की जीवन शैली पर चर्चा की। सरायकेला के सुदूरवर्ती गांव झार गोविंदपुर के ग्रामीणों ने एक सुर में होकर सरकार और निर्वाचन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही चुनाव बहिष्कार की शपथ ली। ग्रामीणों ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक उनके क्षेत्र की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, लिहाजा हताश होकर अब ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। मोगा के गांव घलकला में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट में है। वहीं टकराव की सूचना पुलिस को लगी तो थाना सदर के प्रभारी जगतार सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बात कर जमीन पर कोई काम नहीं करने का आह्वान किया, साथ ही माहौल शांत रखने को कहा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।